अच्छा एक बात बताओ, ये शादियों में जो तुम बिना स्वेटर के फैशन के चक्कर में ठिठुरती रहती हो ठंड में, मतलब वहां ठंड नहीं लगती तुम्हें? बिल्कुल ही हद मचा के रखती हो। ये देखो तुमने लहंगा पहना हुआ है, ठंड लग रही है, दिख रहा है मुझे साफ। जब घर में सर्दियों में बर्तन झाड़ू पोछा कपड़े धोते तब तो कभी नहीं कहते सर्दी नहीं लगी क्या तुम्हें। अब जब फैशन की वजह से चलो हमने पहन लिया लहंगा, नहीं हम ठंड का ख्याल रख ले तो तुम्हें बड़ी ठंड याद आ रही है। हाँ यार ठीक कह रही हो, चलो बोल दूंगा। कब कहोगे? तो अब थोड़ा ही ना आएगी वो काम वाली जो काम करती है ये सब हमारे घर के बर्तन वगैरह, जो सुबह आएगी वो, सुबह आती है ना 9 बजे, सुबह बोलता हूँ उसे कि भाई ठंड नहीं लगती क्या तुझे? अरे तुम थोड़ा ही ना करती हो ये काम फिर घर के, जो करती है उसको बोलूंगा, तुम्हें थोड़ा ही बोलूंगा। भगवान। अच्छा लोग कहते हैं शादियों में लड़ाइयाँ रिश्तों में कड़वाहट पैसों की वजह से होती है, पर यार मैंने देखा बहुत सारे रिच लोग हैं अरबपति करोड़पति, इनमें भी लड़ाइयाँ होती हैं, ऐसा क्यों होता है? पता है समस्या ना पैसा नहीं है, समस्या है बीवियां। ऐसा लोग कहते हैं, बहुत गलत कहते हैं साले। खुद अय्याशी करेंगे, खुद अपनी पत्नियों को धोखा देंगे और इल्जाम लगा देंगे बेचारी प्यारी प्यारी पत्नियों पर। बहुत गुस्सा आता है, मन करता है सालों का मुंह तोड़ दूं ऐसे लोगों का मैं। समझदार हो गए तुम, दोनों में से एक का होना तो जरूरी है ना। तुम नहीं सुधर सकते हो यार। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम लाइफ में आके क्या करोगी? वही जॉब करोगे। मतलब तुम भी दूसरी शादी करोगी ना? पता था मुझे। ये प्यार व्यार के चक्कर ना वैसे खराब है यार। क्यों क्या हो गया यार? वहाँ मम्मी बता रही थी पड़ोस में ना एक लड़का पागल बना घूम रहा है, लड़की का चक्कर था, लड़की ने शादी कहीं कर ली और उसके ही प्यार में बस इतना दुखी हो गया है कुछ नहीं सूझ रहा उसको। मैं बताऊँ यार, ये जो प्यार व्यार होता है ना वैसे ये एक युद्ध की तरह होता है, मतलब शुरू करना तो बहुत आसान है पर भाई साहब इसका एंड ना बहुत मुश्किल है, खत्म नहीं होता ये। सही कह रहे हो। अच्छा और शादी? अरे शादी तो युद्ध में हुई हुई मौत है, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। मौत? तो तुम मुर्दा हो क्या? अभी यहाँ मुर्दा बैठे हुए हो? मौत हो चुकी तुम्हारी? मौत वाली स्थिति है वैसे। चले क्या? तुम निकलो, आ रही हूँ मैं। भगवान। अगर इतनी प्रॉब्लम है ना मुझसे तो सीधा बोल दो। सीधा सीधा उल्टा कुछ नहीं होता, हस्बैंड वाइफ है हम दोनों, एक साथ रहना है हमें, एक साथ।